हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? विल बी फाइन, यस, वेरी गुड। तो चलो बच्चों को लोग आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 7, मीशु की डायरी। हमने उसका एक्सपीरियंस कर दिया है, यानी कि हमने चैप्टर में वो रीड कर ली है कि उसने वो डायरी में लिखा क्या था, मतलब हमें पता है वो कहानी क्या थी और क्यों लिखी थी उसने, राइट? तो अब हम उसका स्टार्ट करें डिस्कशन और आंसर, यानी कि अब कैसे स्वर्ग। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों के लिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन की, सारे बच्चों को पेज पाना, मतलब चैप्टर नंबर 6 तक है जो कंप्लीटेड हो चुका होगा। सारे बच्चों ने टेस्ट बुक या नोटबुक नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 इतने सारे कंप्लीटेड हो चुके होंगे। जिसके बाकी है वो कंप्लीटेड कर दे, अगर जिसके बाकी नहीं है तो वो है जो कंप्लीटेड, राइट? ओके, तो अब हम चैप्टर नंबर 7 मीशु की डायरी, यानी कि जो बाल की डायरी के बच्चों के दो पन्ने हैं जिसके बारे में हमने समझा था, और आज आगे हम एक्सपीरियंस करेंगे और सीखेंगे, राइट? ओके, उसका है पार्ट 7 मीशु की डायरी, स्टैंडर्ड 5 एंड हिंदी, और उसका अभ्यास। इसमें फर्स्ट है शुद्ध उच्चारण कीजिए। शुद्ध उच्चारण कीजिए में सबसे पहले अच्छे से प्रोनाउंस करना है, प्रोग्राम, डॉक्टर, इंजीनियर, पर्यावरण, प्रोफेसर, कार्यकर्ता, आविष्कार, लक्ष्य, एलियस, क्या बोलते हैं उसको, एलियस, और ग्रामोफोन, क्या बोलते हैं उसको, ग्रामोफोन, राइट? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सोचिए और बताइए, यानी कि क्वेश्चन आंसर को सोचकर हमें बताना है कि ये क्या कहते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन, मीशु की डायरी पढ़कर बताइए कि उसका जन्मदिन किस दिन है। फिर से क्वेश्चन आंसर करती हूँ मैं, क्वेश्चन उसका, मीशु की डायरी पढ़कर बताइए उसका जन्मदिन किस दिन है, यानी कि उनका जन्मदिन कब, कौन सी तारीख को आता है। तो उसका क्वेश्चन है, यानी कि आंसर, मीशु की डायरी, यानी कि मीशु का जन्मदिन 12 फरवरी को है। मीशु का जन्मदिन कब है? 12 फरवरी को है। अच्छे से सारे बच्चों को लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मीशु के मम्मी पापा ने उससे क्या वादा किया था। मीशु से उसके मम्मी पापा ने क्या वादा किया था। तो मीशु के मम्मी पापा ने उससे वादा किया था कि ऑफिस से जल्दी आने का, कि हम लोग आज ऑफिस से जल्दी आ जाएं ये, राइट? क्योंकि उनका जन्मदिन था इसलिए वो जल्दी से आ गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, मीशु अपना जन्मदिन मनाना चाहती है खूब धूम धमाके के साथ या सादगी के साथ। तो सारे बच्चों को ये एक्सपेक्ट होना चाहिए कि जितने हम पैसे, जितने हमें अपने बर्थडे पर सेलिब्रेशन करते हैं उससे अच्छा है वो उतने सारे पैसों का आप कुछ अच्छी चीज़ लेकर, जो गरीब होते जो पढ़ाई नहीं कर पाते जिसके पास कुछ नहीं है उसको देना चाहिए, वो सही जन्मदिन के मायने गिनते हैं। यानी कि हमारा जन्मदिन हमें अच्छी और नहीं से धूमधाम से नहीं बल्कि एक सादगी से, सिंपल से, और जो हम अपने धूमधाम जन्मदिन पर पैसे खर्च करते हैं उससे अच्छा है कि वो सारे पैसों का आप कुछ अच्छे बच्चे जो होते हैं, मतलब जो मीडियम क्लास के बच्चे जिसके पास नहीं है उसको खाना खिलाओ, उसके लिए कुछ लेकर जाओ, तो ऐसे सरप्राइज, यानी कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट जैसा हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग कुछ देखे तो नहीं, पर हम कुछ देकर उनके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ला सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम उनका वही आंसर लिखेंगे कि मीशु का जन्मदिन सादगी से मनाया चाहिए, यानी कि उसको सादगी से ही मनाना चाहिए, राइट? यस, डन। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्वाध्याय के लिए नीचे दिए गए शब्दों के
प्रयुक्त पर्यावरण वाची शब्द पर यस का निशान लगाइए, यानी कि सही का निशान हमें लगाना है। फिर है शाम, तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख लिया है, पूरा ऑपरेटिंग किया है, आपको होने पर यहाँ पर राइट का निशान करना है कि उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ओके। तो पहला है शाम, क्या है शाम, तो उसको साय बोलते हैं, संध्या बोलते हैं कि सूर्य बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शाम को बोलते हैं संध्या, क्या बोलते हैं संध्या, राइट। तो संध्या पर टिक करो और साय पर टिक करो, चलो। फिर है सुबह, तो सुबह को क्या कहते हैं, सवेरा, प्रातः और दिन, तो तीनों है, प्रातः बोलते हैं उसको, सुबह को क्या बोलते हैं, प्रातः यानी कि सवेरा, सुबह हो गए, तो सवेरा और प्रातः पर टिक कीजिए। फिर है पथ, तो पथिक, राह और मार्ग, तो राह पर टिक कीजिए और मार्ग पर टिक कीजिए, राइट। अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए, बस फिर हम आपको ट्राई करते हैं। कंप्लीटेड हो गया, वेरी गुड। अब हम आगे का स्टेशन देखते हैं और रेट करते हैं, ओके गुड। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करें स्टेशन नंबर एट। स्टेशन नंबर एट में क्या कहा जाता है कि आगे बढ़ते हैं कि स्टेशन नंबर एट में कहा जाता है कि अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन क्या कहते हैं, तो प्रश्न तीन नंबर में है जो शब्द संज्ञा की जगह आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये हमने पहले भी स्टैंडर्ड में 5 स्टैंडर्ड 6 चैप्टर में सीख लिया था, ये हम वापस सीखेंगे। जैसे कि जैसे, मैं, हम, तुम और आदि, ये जो सर्व होती है वो सर्वनाम उसे कहते हैं, जिसे हम उनको अंडरलाइनिंग करनी है। जैसे मैंने इसमें की है वैसे आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी करनी है, राइट। ओके, तो चलो हम सेंटेंस पढ़ते हैं। मुझे याद आता है, मुझे यानी कि मैं यानी कि सर्वनाम हुआ, तो आप उस पर अंडरलाइनिंग कीजिए, ओके वेरी गुड। फिर आगे देखते हैं, नानी जो कहानियाँ हमें सुनाती है, तो नानी जो उस पर अंडरलाइनिंग कीजिए और हमें उस पर भी अंडरलाइनिंग कीजिए, ओके वेरी गुड। फिर आगे देखते हैं, उसमें भी तो सच्चे लोग बहुत दुख झेलते हैं, उनमें, उनमें यानी कि वो सर्वनाम हुआ, तो उस पर भी अंडरलाइनिंग कीजिए, गुड। फिर आगे देखते हैं,
चाहे वह कई भला राजकुमार हो या फिर कब्बो रानी और अधुको जैसे कुछ अनोखे लोग। ठीक है, तो वहाँ पर वह लिखा है, वहाँ पर अंडरलाइनिंग कीजिए, फिर कुछ उस पर अंडरलाइनिंग कीजिए, राइट। नाम है उस पर अंडरलाइनिंग नहीं आता क्योंकि वो सर्वनाम नहीं गिनते, क्योंकि वो एक अपना खुद का नाम होता है उसकी वजह से। ठीक है, ओके। उन्हें अनेक कष्टों और बाधाओं, उन्हें पर अंडरलाइनिंग कीजिए, बाधाओं का सामना करना पड़ता है, पर अंत में सारी दुनिया उसके त्याग और बहादुरी के गीत गाती है। उनके यानी कि वो सर्वनाम हुआ, तो उस पर भी अंडरलाइनिंग कर दीजिए। ओके, तो सारे बच्चों को ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड हो गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, दिए गए उदाहरण के अनुसार उचित मिलान करने का वाक्य बनाइए। यानी कि हमें इसमें से वाक्य बनाने हैं जो सेंटेंस उसको सूट करते हो, यानी कि अच्छे से बैठते हो उस पर। ठीक है, उन्होंने देखो, हमने एक सेंटेंस बनाकर दिया है, मुझे अपना निशु नाम अच्छा, यानी कि पूरा एक वाक्य बनाना ना है इसमें, जो पूरा हमें सेंटेंस एक बन सके। आप देखो बच्चों लोग, इसमें लिखा है मुझे अपना निशु नाम अच्छा लगने लगा है। पूरा वाक्य बना, पूरा सेंटेंस बना, वैसे ही हमने पूरे सेंटेंस बनाए हैं जो आपको देखने हैं। ठीक है, तो चलो दूसरे हैं, मैंने अपने दोस्तों को, अंडरलाइन कर दीजिए, वहाँ पर से लाइनिंग खींच लीजिए, दोस्तों को बुलाया है। देखो वापस वहाँ पर आ गया, तो वो पूरा क्या हुआ, एक सेंटेंस बन गया, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है। ओके, वेरी गुड। फिर तीसरा है, वे महंगे उपहार न लाए, वे महंगे उपहार न लाए, राइट। तो ये भी एक सेंटेंस बन गया। फिर चौथा नंबर का देखें, मैं कभी कभी सोचती हूँ, तो पूरा सेंटेंस हो गया है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ। फिर दोस्त लास्ट वाला देखिए, उन्होंने अपना सपना पूरा करके दिखाया, यानी उन्होंने क्या किया, अपना सपना पूरा करके दिखाया, तो वो सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा बच्चों के, इन्होंने पूरा अपना सेंटेंस कंप्लीट किया, यानी कि तीनों में से जो अच्छे से बंध बैठता है, अच्छे से जुड़ता है, ऐसा उन्होंने वाक्य बनाया है। तो हमें भी ऐसे वाक्य आपको बनाने हैं। ठीक है, तो सारे बच्चों ने ये अपना फिलअप कर लिया होगा टेक्स्ट बुक्स में, और आपकी नोटबुक्स में भी आपको ये सारा सेंटेंस अच्छे से लिखना है। ठीक है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं, उसके क्या है, अनेकार्थक कहते हैं कि एक से ज़्यादा उसके अर्थ मीनिंग होते हैं, उसको अनेका अर्थ कहते हैं। जैसे गुरु, तो बड़ा, और शिक्षक, राइट। तो गुरु से बड़ा बड़ा होता है, और गुरु एक शिक्षक भी होते हैं, तो दोनों सेंटेंस बने, राइट। ओके, तो वैसे हमें दूसरे सेंटेंस बनाने हैं, देखते हैं चलो आगे। यहाँ पर देखे गए हैं, देखो हमने कॉन्स में भी बाजू में बॉक्स दिया, उसमें लिखा है आंसर, जैसे कि जवाब, पंख, लेकिन, पराजय, परिणाम, खाने वाला फल, माला और दिशा, राइट। तो अब देखो हम सेंटेंस देखते हैं, नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों के दो दो अर्थ वर्ग में से छांटकर लिखिए। हमें इसमें से छांटकर अच्छे से जो बंद बैठते उस पर ही लिखना है। अब देखो पूरा एक वाक्य बनेगा यहाँ पर भी, देखो पर लिखा हुआ है, हमने आंसर में पंख और लेकिन लिखा है, तो उसका पूरा सेंटेंस बनेगा, देखो, लेकिन पंख पर, लेकिन पंख पर, राइट।
वैसे ही दूसरा सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है उत्तर, राइट। तो आंसर में लिखा है दिशा और जवाब, तो उत्तर दिशा का जवाब, राइट। ओके गुड। अब तीसरा वाला देखो, फल, तो परिणाम खाने वाला फल दोनों होते, तो खाने वाला फल का परिणाम, जो फल हम खाते उसका वो परिणाम हमें मिलता है। और लास्ट वाला है हार, पराजय हार माला, राइट। पराजय ही हमारी हार माला, या हार माला ही हमारी पराजय होती है, राइट। ओके वेरी गुड। तो सारे बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीटेड कर दिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को अलग कीजिए। ये भी हमने आगे इस चैप्टर में सीखा हुआ है कि कैसे हमें विधेय और उद्देश्य को अलग करना है। जैसे उद्देश्य यानी कि खुद का सर्वनाम जो होता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और जिसका हमें विधेय मिलता है, जो वाक्य हमें बंद बैठता है यानी कि जो वाक्य हमें दिखाता है कि हमें क्या करना है, क्या दिखाना है, उसको हम कह सकते हैं विधेय। जैसे उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है, तो उद्देश्य क्या होगा, मुझे यानी कि मेरे सेंटेंस से बात हो रही है। फिर बोलते हैं विधेय, तो विधेय क्या हुआ, ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है, राइट। ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है, ओके। अब दूसरा सेंटेंस देखो, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मैं, वो सर्वनाम हुआ और उद्देश्य हुआ, और विधेय होगा डॉक्टर बनना चाहती हूँ, राइट। ओके अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, नानी ने हमें कहानियाँ सुनाई, तो नानी क्या हुई, हमारी उद्देश्य हुई, क्योंकि हमें उद्देश्य देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और विधेय क्या था, हमें कहानी सुनाई, ने हमें कहानी सुनाई, राइट। ओके वेरी गुड। सारे बच्चों को ये कंप्लीटेड हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसमें लिखा है दिए गए प्रश्न के उत्तर में सही का निशान लगाइए, यानी कि हमें सही का निशान लगाना है। उसमें फर्स्ट है, शुशु के पापा निशु को क्या बनाना चाहते थे, डॉक्टर, इंजीनियर के सामाजिक कार्यकर्ता, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर, राइट, यस। अब ख वाला देखियो, निशु ने पिछले दिनों कौन सी किताब पढ़ी है, तो फिल्मी सितारों की, महान आविष्कारों की, या पाठ्यक्रम की, महान आविष्कारों की, कौन सी, यहाँ पर निशु के पापा उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, और दूसरों में आएगा महान आविष्कार बनाने चाहते थे, राइट। तो सारे बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन और आंसर लिखे वो हमें अच्छे से लिखने हैं और फिलअप करने हैं, राइट। और सारे बच्चों को अपने टेक्स्ट बुक्स में अच्छी राइटिंग में लिखना है, और ये पूरा सेंटेंस हमें नोटबुक्स में भी लिखना है, ओके वेरी गुड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जाता है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, नानी जी की सुनाई कहानियों से निशु को क्या सीख मिलती है, नानी जी की सुनाई गई कहानियों से क्या सीख मिलती है, तो उसका आंसर है नानी जी की सुनाई कहानियाँ से निशु को सीख मिलती है कि सच्चे लोगों की कभी दुख कष्ट और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, अंत में सफलता ही मिलती है, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको कष्ट दुख सब बाधाएं तकलीफें मिलती है, पर अंत में क्या होता है, सफलता ही मिलती है, यानी कि उनका कार्य जो भी करते हैं वो अच्छा ही होता है। दूसरा है, आविष्कारकों की जीवन कथाएं पढ़कर निशु के मन में कैसे विचार उमड़ पड़ते हैं, आविष्कारों की जीवन कथाएं पढ़कर निशु के मन में कैसे विचार उमड़ पड़ते हैं,
तो उसका आंसर लिखिए आविष्कारों की जीवन कथाएं पढ़कर निशु के मन में विचार उमड़ते हैं कि बड़े से बड़ी बाधाओं से घबराए बिना दिन रात एक करने पर ही सफलता मिलती है। यानी कि दिन रात एक करने से ही सफलता मिलती है, तकलीफ कितनी भी हो हमें आगे ही बढ़ते जाना है। राइट, यस। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इस पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि कैसे व्यक्तियों को सफलता अवश्य मिलती है। जो अटूट साहस और दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं उनकी सफलता निश्चय है। उतना मतलब कि जो अटूट होते हैं, जो साहसी होते हैं, जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते, वो लोगों को कभी भी हमें कि सफलता ना मिले ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि उनका संकल्प होता है। अगर हम संकल्प ले लेते हैं कि हमें पढ़ाई में अच्छे ही आना है, हमें अच्छे पास होने हैं, मार्क्स अच्छे लाने हैं, एक बार हम संकल्प कर लेते और दृढ़ निश्चय कर लेते तो हमारा वो सक्सेसफुल होता ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सफलता हमें निश्चय ही मिलेगी। क्या मिलेगी? निश्चय ही हमें सफलता मिलेगी। राइट, अच्छे, चलो फटाफट से लिख लो फिर हमारे लिए। राइटिंग अच्छे से निकालना। ओके, इज इट कंप्लीटेड? ओके, डन। सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीटेड हो गए होंगे। सारे बच्चों को ये चैप्टर अपने नोटबुक्स में खत्म हो जाने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 काला घोड़ा हम सीखेंगे। राइट, तब तक के लिए घर पे रहना, सेफ रहना और सुरक्षित रहना। ठीक है, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।